अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन चाउमीन की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम चिकन। चिकन को इस तरह लंबाई में काट लेंगे। 100 ग्राम कैबेज, 100 ग्राम गाजर, 50 ग्राम शिमला मिर्च, इन तीनों को भी लंबाई शेप में काट लेंगे। नमक, एक स्टिक हरी प्याज की, उसको भी लंबाई में काट लेंगे। विनेगर, सोया सॉस, काली मिर्च पाउडर, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, एक टेबलस्पून चॉप अदरक, एक टेबलस्पून चॉप लहसुन और हाफ टी स्पून चीनी। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे मसालों में। नमक डाल देंगे, विनेगर, सोया सॉस और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। 225 ग्राम एग नूडल्स लिए हैं, इसको दो पीसेस में काट लेंगे। स्पेगेटी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें नूडल्स बॉयल कर लेंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट तक बॉयल होने देंगे। नूडल्स को हमने छान लिया है, अब इसमें ठंडे पानी से हल्का सा इस तरह धो लेंगे। ये अलग हो जाएंगे। अब इसमें एक टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे, फिर से चिपकेंगे नहीं। तीन टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है, अब हम इसमें चॉप लहसुन और चॉप अदरक डालेंगे। तो फ्राई करेंगे। अब इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को स्लो फ्लेम पे सौते करेंगे। चिकन सौते हो चुकी है, अब हम इसमें कैरेट डालेंगे। कैरेट डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बीस सेकंड तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च को भी 20 सेकंड तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। ग्रीन ऑनियन भी डाल देंगे।
को भी फ्राई करने के बाद अब आखिर में कैबेज डालेंगे। कैबेज डाल के भी 10 सेकंड तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे, ये अपने हिसाब से डालिएगा सारी चीज़ें। सोया सॉस, विनीगर, हल्का सा नमक, नमक भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस और शुगर। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब आखिर में नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पाइसी के लिए चिल्ली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं। चिकन चाउमीन तैयार है।